मूद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवियों हमें ये मनुष्य जीवन मिला है क्यों मिला है किसके लिए मिला है उद्देश्य क्या है हमारे जीने का आप कमाते हैं खाने के लिए खाते हैं जीने के लिए जीते क्यों हैं जीने का उद्देश्य क्या है कोई आदमी चल तो रहा है लगातार चल रहा है किंतु यही पता नहीं है कि जाना कहाँ है तो पहुंचेगा कहाँ तथागत बुद्ध ने लिखा है एक आदमी बांध पर बांध जोड़ता चला जा रहा था कई बांध जोड़ चुके थे बड़ी लंबी सीढ़ी बना रहे थे किसी ने पूछा उससे भाई इतने बांस जोड़ चुके हो क्या कर रहे हो कहा कि सीढ़ी बना रहा हूं कि इतनी लंबी इतनी ऊंची सीढ़ी कि हाँ लगाओगे कहाँ ये तो मालूम नहीं कहाँ लगाऊंगा बस बना रहा हूं मेहनत करने के बाद भी यह मालूम ना हो कि जो हम मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्या पाने के लिए कर रहे हैं पाना क्या चाहते हैं यदि इस बात का ही पता नहीं है तो हमारी सारी मेहनत निरर्थक हो जाएगी सार्थक दिशा में सार्थक उद्देश्य लेकर थोड़ी भी मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी दिशा अनिश्चित या उल्टी दिशा है उद्देश्य का पता ही नहीं है कितनी मेहनत करें कुछ मिलने वाला है नहीं अच्छा एक बात सोचिए कि आप और हम लोगों ने सभी ने अपना अपना जीवन जिया है यहां जो बैठे हुए लोग हैं में से कोई 80 साल जिया होगा कोई 70 साल कोई 60 साल कोई 50 40 30 20 कुछ तो जीवन जिया है ना जिनकी उम्र अभी 20 25 30 साल की होगी वह तो कह सकता अभी तो मैं जीवन की शुरुआत ही कर रहा हूं अभी तो मेरी शुरुआत ही हुई है इसमें क्या बताऊं कि मुझे क्या मिला लेकिन जो 50 60 70 साल के जीवन जी चुके हैं वे सोचें कि इतना जीवन तो जिया आपने पाया क्या क्या मिला आप क्या कह सकते हैं कि ये मैं पाया और यह मेरा है
और 70 साल जीने के बाद भी कितनी दौड़ धूप हुई, कितनी मेहनत हुई, और आप को ये पता ही नहीं है, आप ये कह नहीं सकते अमुक चीज मैंने पाई ये मेरी है, मुझे इस चीज को मुझसे कोई छीन नहीं सकता, तो जीवन जिया कहाँ, घसीट रहे हैं जीवन को। आपके 70 साल का जीवन, ये मकान मैंने बना लिया, वो जमीन आपकी नहीं थी, आपके दादा बाबा छोड़ गए थे, उसको थोड़ा आपने दूसरा बना लिया। आपके पहले आपके दादा बाबा कहते थे कि ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, खलिहान मेरा है। अभी आप कह रहे हैं 20-25 साल बाद आपका बेटा कहेगा किसका है वो। एक महात्मा बुजुर्ग, काफी लंबी आयु हो चुकी थी, एक भक्त के यहां गए। उस समय भक्त की उम्र 35-40 के भीतर रही होगी। प्रेमी थे संतों के, संस्कार मिला हुआ था पूर्वजों से, देखा बुजुर्ग महात्मा है, प्रणाम किए, आसन व्यवस्था किए, भोजन की व्यवस्था किए, चले गए काम करने। शाम को लगभग 4 बजे के बाद आराम आदि करने के पश्चात वो महात्मा बाहर निकले टहलने के लिए, तो भक्त मिल गए। कुशल मंगल की बातें हुई, फिर उस भक्त ने उस महात्मा से कहा, महाराज जी ये जितनी हवेलियां देख रहे हैं ना, कई हवेलियां खड़ी थी ऊंची ऊंची, ये सारी हवेलियां मेरी है, और जितने खेत देख रहे हैं दूर तक, ये सारे खेत मेरे हैं, ये जो बड़े बड़े बाग दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये बाग भी मेरे हैं, बताया ये मेरा है। उसकी बात सुनकर महात्मा को थोड़ी हंसी आई, महात्मा हंसने लगे मुझको। उस भक्त ने पूछा, महाराज जी आप हंस क्यों रहे हैं, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आप हंस रहे हैं। कि नहीं बेटा बस ऐसे ही है, हंसी आ गए। उसने कहा, नहीं महाराज कोई तो बात होगी, आपके हंसने का कोई तो कारण होगा, अब बताए तो क्यों हंस रहे हैं। तो महात्मा ने कहा, बेटा आज से लगभग 60 साल पहले मैं यहां आया था इस तुम्हारे घर में, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हारे पिता ही तुम्हारी उम्र के रहे होंगे उस समय, तो उस समय 60 साल पहले जब आया था, तब तुम्हारे दादा ने कहा था, महाराज जी ये हवेलियां मेरी है, ये खेत मेरे हैं, ये बाग बगीचे मेरे हैं, और उसके पश्चात जब 40 साल बाद आया तो तुम्हारे पिता कह रहे थे, महाराज जी ये हवेलियां मेरी है, ये खेत मेरे हैं, ये बाग मेरे हैं, आज तुम कह रहे हो, मैं चिंता में पड़ा हूं कि आखिर है किसके, ये तुम्हारे दादा का है कि तुम्हारे पिता का है कि तुम्हारे हैं, किसका है। कबीर साहब कहते हैं, दादा बाबा ओ परपाजा जिनके यह भूए भाड़े हो, आंधर भये ही हो की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। एक जमाना हुआ था कि हमारे और आपके दादा बाबा कहते थे, ये सब खेत ये खलिहान ये मकान ये जमीन और जायदाद ये सब मेरे हैं, उनके थे तो लेकर क्यों नहीं चले गए, उनका था तो लेकर जाना था, और लेकर नहीं गए इसका मतलब उनका था नहीं, किसी का नहीं है, तो क्या अपना मानना छोड़ दे, नहीं अपना मानना पड़ेगा, अपना मानना छोड़ देंगे तो व्यवहार नहीं होगा, व्यवस्था नहीं होगी, संसार को
व्यवस्थित चलाने के लिए, व्यवहार के लिए अपना मानना, अपना घर मानना होगा, अपना खेत खलिहान मानना होगा, अपनी दुकान माननी होगी, अपने बाल बच्चे मानना, अपना परिवार मानना होगा, तभी व्यवस्था होती है, तभी रक्षा सुरक्षा होती है और तभी व्यवहार चलता है। लेकिन थोड़े समय के लिए एक उदाहरण से समझें तो बात आसान से समझ में आ जाएगी। आप लोगों में से बहुतों ने ट्रेन की यात्रा की होगी, कभी कहीं तीर्थ यात्रा जाना होगा, कहीं दूर जाना हुआ होगा तो ट्रेन से यात्रा की होगी। ट्रेन से यात्रा करने पर यात्रा सुखद बनी रहे इसके लिए पहले से रिजर्वेशन कराया जाता है। जब रिजर्वेशन कराया जाता है तो हमारे नाम से एक ट्रेन में एक बर्थ अलाट हो जाती है। ट्रेन का डिब्बा, अमुक डिब्बा में अमुक नंबर की सीट आपकी है। हम समझते हैं रिजर्वेशन हो गया है, सीट हमें मिल गई है, अब सोते हुए बैठते हुए यात्रा हमारी आराम से कटेगी। जिस तारीख को हमें यात्रा करना था उस तारीख पर हम गए स्टेशन पर, ट्रेन आई, हमने देखा कि हमें किस डिब्बा में बैठना है, उस डिब्बा में हम घुसे, देखा कि अमुक सीट नंबर है, उस सीट पर हम गए। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि उसमें तो और लोग बैठे हुए हैं। आपने कहा भाई ये सीट तो मेरी है, देख लो, ये सीट तो मेरी है, ये मेरा टिकट है। नहीं नहीं, हमें भी जाना है, हम नहीं बैठेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो बैठकर इसी में जाएंगे। तो कहीं कहीं कुछ लोग समाधान कर लेते हैं, ठीक है भाई मुझे भी बैठना है, आपको बैठना है, मुझे सोना है, मेरा आराम से है, लेकिन आप भी चलो बैठ जाइए। और कई बार होता है कई लोग झगड़ा कर लेते हैं, अब झगड़ा नहीं करते, मारपीट तक हो जाती है उस सीट के लिए, नहीं मेरी सीट है, मेरी सीट है, हमारे पास तो टिकट है। हम कहते हैं देखो ये साफ्ट है, ये सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट की ओर से, टिकट ये सीट मेरी है। वो कहते हैं हमने भी टिकट कट लिया हुआ है। मारपीट हो गई, समाधान हुआ किसी प्रकार से, अंत में तो समाधान तो करना पड़ेगा, चाहे पहले समाधान कर लो प्रेम से, चाहे मारपीट करके लड़ाई करके समाधान कर लो, समाधान तो होना है किसी प्रकार से। हम भी सोते हुए गए, वो भी सोते हुए गए। जहां हमें जाना था वो स्टेशन आया, अपना सामान लिए, उतरने लगे तो लोगों ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो, ये सीट आपकी है ना, लड़ रहे थे उसे ले जाओ इसको साथ साथ में, है ना संभव। उतने समय के लिए जिस स्टेशन पर हम बैठे, जिस स्टेशन से उतरना था, उतने समय के लिए वो सीट हमारी थी, ना हमारी थी, ना आपकी थी, ना किसी की, नहीं सीट तो ट्रेन की थी बस। तो अपनी बर्थ मानना होगा ट्रेन में, कितने समय के लिए, जब तक हमारी सफर है, हमारा सफर है, हमारी यात्रा है, तब तक के लिए। अब लड़ करके यात्रा करो या प्रेम से समाधान करके यात्रा करो, ऐसे ही ये दुनिया की गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, कर्म की यात्रा पर चल रहे हैं, एक सीट मिल गई है, ये मकान, ये मठ, ये जमीन, एक सीट मिली हुई, कितने समय के लिए, जब तक ये जीवन है, जब तक सफर है तब तक के लिए, बाकी न मेरी है न किसी की नहीं है। आज तक किस ये दुनिया किसकी हुई, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, चक्रवर्ती सम्राट आए, लड़े भिड़े मारे काटे और एक दिन इसी धरती में समा गए। तो व्यवहार है, व्यवहार के लिए अपना मानना होता है। एक पिता, उन्होंने मकान बनाया
दुकान बनाया और खेत खलिहान बना लिया, या उन्हें उसको अपने पिता से मिला था। उसके तीन बेटे हुए, मान लो तीन बेटे चार बेटे हुए, बेटे जवान हुए, शादी हुई कि पिताजी अब बंटवारा कर दो, मकान बढ़ गया, दुकान बढ़ गई, खेत बढ़ गए, पिता का था तो बटा कैसे? कोई कहता नहीं ये तो मेरा है, मैं बंटवारा नहीं दे सकता, ये तो वो तो, लेकिन उनका तो कानून अधिकार है। पाया आपने मन में जो शांति है या अशांति है वो आपका है, आपके मन की प्रसन्नता, आपके मन के दुख को ना बेटा बटाएगा, बांट पाएगा, ना पत्नी, ना पति, ना गुरु, ना चेला, वो आपका है। तो इतना जो जीवन जिया है हमने और सभी लोगों ने, क्या पाया है जिसे आप कह सकते हैं ये मेरा है, जिसे दूसरे लोग छीन नहीं सकते, हमसे कोई छीन ना पाए, जो सदैव हमारे साथ रहे। हम छोड़कर नहीं जा सकते, यहां है तो साथ में है, यहां से बाहर जाएंगे तो साथ में है, वह है हमारे मन की स्थिति। अब मन शांत है या अशांत है, मन चिंतित है या निश्चिंत है, मन भयभीत है या निर्भय है, सुख में डूबा हुआ है मन या दुख में डूबा हुआ है मन, ये दूसरा नहीं बटा पाएगा, बांट नहीं पाएगा इसको, और कोई जान भी नहीं पाएगा। ये असली कमाई है। बाहर की कमाई घटती है बढ़ती है, ये जीवन की जो कमाई है, मन की शांत, मन की प्रसन्नता, निश्चिंतता, निर्भयता, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सत्संग, भजन, पूजा पाठ, धर्म के नाम पर हम जो कुछ भी करते हैं, सबका एक फल होना चाहिए, आत्मस्वस्थता। और आत्मस्वस्थता जब होगी तो निश्चित है मन में शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, बहेगा नहीं मन। आत्मस्वस्थता का अर्थ क्या है? आत्मस्वस्थता का अर्थ है बड़ी सी बड़ी और कीमती से कीमती चीज को देख करके मन का न ललचाना। बड़े से बड़ा मकान देखे, भवन देखे, बड़ी से बड़ी कीमती कीमती चीजों को देखे और तमाम चीजों तमाम दृश्य देखे, जब मन ललचाया नहीं, जो मिला है उसमें संतुष्ट है मन, तो आत्मस्वस्थता है। आप मालिक बनकर के जी रहे हो, और यदि किसी चीज को देखकर, कुछ भी हो, किसी का मान सम्मान देखे, किसी की पूजा प्रतिष्ठा देखे, किसी को समाज में सम्मानित होते देखे और ललचा गया मन कि ऐसा मेरा भी सम्मान होता, ऐसी मेरी भी पूजा होता, तो बेच दिए अपने को, दरिद्र बन गए। किसी का मकान देखे, किसी की दुकान देखे, किसी की गाड़ी देखे, किसी का सुंदर चेहरा देखे, किसी के सुंदर कपड़े देखे और ललचा गया मन, तो बेच दिए अपने को, पर्वत हो गए, दरिद्र बन गए। और दरिद्र आदमी दुनिया में कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, एक गोस्वामी जी कहते हैं। एक दरिद्रता होती है बाहर की और एक दरिद्रता होती है भीतर की। बाहर की दरिद्रता का अर्थ होता है चीजों का कम होना, मुश्किल से जीवन गुजर होना, बड़ी कठिनाई से। यदि
भरपूर मेहनत करने के बाद भी 24 घंटे में एक बार भरपेट भोजन ना मिले तो समझना दरिद्रता है। पहनने को कपड़े ना मिले, सिर छिपाने को छाया ना मिले तो दरिद्रता है। और आज के जमाने में यह दरिद्रता लगभग नहीं है, भारत में तो नहीं है, करीब करीब खत्म है, अफ्रीकी देशों में है। अभी कई देश ऐसे हैं अफ्रीका में, तमाम देश जहां भयंकर गरीबी, भयंकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमेरिका के मुकाबले हमारा रुपया बहुत सस्ता है। अमेरिका का एक डॉलर हमारे देश के 80-82 रुपये के आसपास अभी लगभग होगा। वहाँ का एक डॉलर मतलब एक रुपया हमारे देश का 80 रुपया बराबर। ऐसे भी देश हैं जहाँ हमारे देश का एक रुपया दूसरे देश के 100 रुपये से 200 रुपये के बराबर है। कितनी गरीबी होगी वहाँ का सोच सकते हो। लेकिन हमारे देश में ऐसी गरीबी नहीं है, ये बाहर की गरीबी, बाहर की दरिद्रता। और ये दरिद्रता जो बाहर की होती है, चीजों के मिल जाने पर समाप्त तो हो जाती है, किंतु अंदर की जो दरिद्रता होती है चीजों के बढ़ने से समाप्त नहीं होती है। अगर चीजें बढ़ती चली जाती है, असंतोष बढ़ता चला जाता है, और असंतोष का अर्थ है दरिद्रता। भागवत बनाने वाले से किसी ने पूछा, दरिद्र कौन और ईश्वर मालिक कौन, गुलाम कौन? तो भागवत बनाने वाले ने, भागवतकार ने यह नहीं कहा कि जिसके पास थोड़े रुपये हैं, थोड़ी जमीन है या नहीं है वो दरिद्र है, जिसके पास बहुत खेती है, बहुत जमीन है वो मालिक है, जो किसी के यहाँ नौकरी करता वो गुलाम है, ऐसा उत्तर नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने क्या उत्तर दिया? दरिद्रो यस संतुष्ट, कृपणो यो अजितेंद्रिय, गुणेश शक्त धीरिशो गुण संगो विपर्य। दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है, जो ललचाता रहता है चीजों को देख देख कर, किसी की जवानी देखे, किसी के चेहरे सुंदरता देखे, किसी के कपड़े देखे, किसी का मकुश देखे, कुछ भी देखे ललचा गए। सड़क पर जा रहे हैं, अब मिठाई दुकान रहती है कहीं कहीं, यहाँ कुछ बनाते रहते हैं, सड़क पर जा रहे हैं, दुकान में मिठाइयाँ सजी हुई है, सोच लिए मन क्या कहें, पैसा नहीं है, देखो कितनी सुंदर सुंदर मिठाई खाते, कितना आनंद आता, बेच दिए अपने को, मिठाई बड़ी हो गई, आप छोटे हो गए। जा रहे हो कहीं पर कुछ बन रहा है, यार कह रहे हो यार कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है, खाने को मिलता कितना गजब हो जाता, बेच दिए अपने को, हो गया दरिद्र। अरे पैसे हो जाकर खरीदो खा लो, नहीं है तो ललचाते क्यों हो? रोटी भात तो खाने को मिल रहा है ना, सब्जी रोटी तो खाने को मिल रहे हैं ना, बस। तो दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है। और दुनिया में अधिकतम आदमी दरिद्र ही बना हुआ है। संतोष तो किसी किसी के पास है। और कबीर साहब कहते हैं, संतों संतोष सुख है, रहू तो हृदय जुड़ाए। ऐ संतों, संतोष में सुख है, संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा जलता हुआ हृदय, तुम्हारा जलता हुआ मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाएगा,
जिसका मन शीतल है, जिसका मन शांत है, वही तो मालिक है। और कोई भी आदमी ऐसा मालिक बन सकता, कोई भी स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ कोई भी बन सकता है। समझ चाहिए, ऐसी बुद्धि चाहिए, ऐसी सोच चाहिए, तब मालिक बना जा सकता है। कम से कम अपने जीवन का मालिक बनकर जिए। तो मैं कह रहा था आत्मस्वस्थता, आत्मस्वस्थता में ही सुख है। स्मृति में, स्मृति नाम के ग्रंथ है, जैसे मनुस्मृति, ये स्मृति, वो स्मृति, तमाम स्मृतियां हैं, उसमें एक श्लोक आता है जिसकी एक पंक्ति है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। दुख क्या है? परवशता, सब प्रकार का दुख है। नहीं पराधीन सपने सुख नहीं, गोस्वामी जी की अर्धाली बहुतों को याद होगी। परवशता, पराधीनता, दुख है, इसके समान कोई दुख नहीं है। सर्वम आत्मवश्यम सुखम, आत्मस्वस्थता सब प्रकार का सुख है। काम करो, काम करने में घबराओ मत, डरो मत, जम करके काम करो, जो मिले उसमें संतोष रखो बस। और अपनी सोच, अपनी समझ, अपना स्वभाव, अपने संस्कार, इनको सुंदर बना करके रखो, मालिक बन करके जियोगे। और एक बात पर और ध्यान दें, ये चिंता मत करो कि अपने बेटे को मैं कितना अधिक से अधिक जमीन जायदाद मठ मकान दे करके जाऊं। जितना है दे सकते हो दो। चिंता ये करो, चिंता ही नहीं करना है, काम भी करना है कि अपने बेटे को मैं कुछ और दे पाया और ना दे पाऊं, अच्छी संस्कार जरूर दे करके जाऊंगा। उसे एक अच्छा स्वभाव, अच्छा रास्ता बता करके जाऊंगा। संस्कार अच्छे होंगे, थोड़ी चीजों में आपका बेटा बड़े चैन की जिंदगी जिएगा, बड़े आनंद और सुकून की जिंदगी जिएगा। पैसा तो आपने दिया खूब, संस्कार ने ही दिया, तो होगा क्या? आपके पैसे को जुआ शराब व्यभिचार में खत्म कर देगा, अपना डूबेगा और आपका नाम भी डुबाएगा। और संस्कार दिया तब, संस्कार दिए जब दोगे तब जहां जाएगा अपना नाम रोशन करेगा और अपने साथ साथ आपके नाम को भी रोशन करेगा। भाई देखो भाई अमुक का बेटा है, कितना सुंदर काम कर रहा है। आपका बेटा जन्म लेते ही आपकी संपत्ति का मालिक बन जाता है, कानूनी रूप से हकदार बन जाता, उत्तराधिकारी बन जाता है। कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको, जन्म लिया कानूनन उत्तराधिकारी बन गया आपकी संपत्ति का। लेकिन संस्कार को उत्तराधिकारी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर उसे सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने साथ बैठ रहा है, कैसे बोल रहा है, धीरे धीरे गढ़ना पड़ेगा आपको। पत्थरों को गढ़ना जानते हैं
और पत्थरों को गढ़ कर सुंदर मूर्ति बना देते हैं, लेकिन इंसान गढ़ना नहीं आ पाता है आदमी। जो इंसान गढ़ता है वही असली आदमी, वही असली पिता होता है। उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। शिकायत नहीं करना है, बराबर बेटे को दोष देते रहोगे, तुमने ये बिगाड़ दिया, तुमने वो बिगाड़ दिया, तुमने वो बिगाड़ दिया, तुमने तुम कुछ नहीं कर पाए। कितने कई जगह कई घरों में होता है कि पिता बराबर शिकायत करता है बेटे से, तुमने ये बिगाड़ दिया, तुम बुद्धू आदमी, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, आपने क्या किया, क्यों, कौन सा आदर्श स्थापित किए उसके सामने। एक चुटकुला याद आया, एक पिता अपने एक बेटे को डांट रहा था, तुम क्या पढ़ाई करते हो, फेल हो जाते हो, जानते हो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारी उम्र के थे तो पढ़ाई में अपने क्लास में हमेशा अव्वल आया करते थे, और तुम पास ना तो दूर फेल हो जाया करते हो, क्या पढ़ते हैं। तो पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल सही कहते हैं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरी उम्र के थे अपने क्लास में जरूर अपने क्लास में अव्वल आ गए थे, लेकिन पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जब आपकी उम्र के थे तो भारत प्रधानमंत्री थे, आप तो गांव सरपंच भी नहीं बन पाए हो, तब क्या करोगे। तो बेटे को समझाने के पहले देखो तो जिसके लिए मैं समझा रहा हूं बेटे को, वही गलती मुझ में तो नहीं है, वही गलती अपना कर रहे हो तो बेटे पर प्रभाव क्या पड़ेगा, बेटे पर हो कि किसी पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी को सही सीख देने के लिए हमें स्वयं अपने आचरण में उस सीख को उतारना होगा। चीजें बढ़ती चली जा रही है, 50 साल पहले की स्थिति जो क्या थी और आज स्थिति क्या है, बहुत अंतर आ गया है। गांव की गलियां बदल गई, सड़क बदल गए, मकान बदल गए, सब कुछ तो बदल, रहन सहन बदल गए, कपड़े पहनावा बदल गया, खान पान बदल गया, सब तो बदल गया। उन्नति होगी, भौगोलिक भौतिक दृष्टि से हमने काफी विकास किया है। अब आज तो एक गरीब मजदूर, एक गरीब ठेले वाला, उसकी जेब में भी 10-12 हजार का मोबाइल तो पड़ा हुआ है। और इतने पूजा पाठ नाम जप तीर्थ यात्रा लोग कर रहे हैं, इतनी तीर्थ यात्रा लोग पहले नहीं करते क्योंकि इतने साधन नहीं था। अब तो लोग गाड़ी किराए पर कर ले, 10 लोग कहां कहां जा रहे हैं तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बन गए, खूब पूजा खूब पाठ खूब कुछ हुआ है, समाज का सुधार कितना हुआ है। पहले की अपेक्षा मंदिर बढ़ते चले गए, पूजा बढ़ती चली गई, देवता भी बढ़ते चले गए, मंदिर बढ़ेगा देवता बढ़ जाएंगे, और मंदिर बनेगा तो पूजा भी हो जाएगी, तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। जितनी मात्रा में मंदिर बने, मंदिर बढ़े, मस्जिद मंदिर में मस्जिद हो, गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, ये सब कुछ भी हो, जितनी मात्रा में ये धार्मिक स्थल बढ़े, जितनी मात्रा में पूजा पाठ बढ़ा, जितनी मात्रा में तीर्थ यात्रा बढ़ी, उतनी मात्रा में शराब पीना बढ़ा है, उतनी मात्रा में अंडा खाना और मुर्गी खाना भी तो बढ़ा है। बढ़ा है नहीं बढ़ा है, शांति बढ़ी आपका आपके घर में, उतनी मात्रा में कला बढ़ा है, उतनी मात्रा में झगड़ा बढ़ा हुआ है। कौन सा धर्म का हम लोग काम कर रहे हैं, कौन सा हम पुजारी बन करके पूजा का काम कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार की तरफ हमारा ध्यान दिखावा में पड़ गए।
एक तरफ पैसे के दिखावा में पड़ गए, एक तरफ धर्म के दिखावा में पड़ गए। अरे दिखावा काम नहीं आने वाला है। मंदिर बनाना गलत नहीं, मस्जिद आदि बनाना गलत नहीं है, पूजा करना भी गलत नहीं है, लेकिन पूजा करते हुए भी, सत्संग करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी जीवन में सुधार नहीं आ पा रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ना। और गड़बड़ी बाहर नहीं है, समाज को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, दोष व्यक्ति में है कि समाज कुछ नहीं होता, व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है, व्यक्ति व्यक्ति मिलकर के राष्ट्र बनता है। व्यक्ति सुधरेगा समाज सुधरेगा, समाज के व्यक्ति सुधरता, सुधरता व्यक्ति है। एक व्यक्ति सुधरा, समाज का एक अंग सुधर गया, दर्ज सुधर गए तो 10% सुधर गए। इसलिए खुद से शुरुआत करने की आवश्यकता है। बात मैं ये कह रहा था कि जीवन तो हम लोगों ने जिया, लेकिन मेहनत बहुत किया, पाया क्या? आपके पास ऐसा क्या है जिसे आप कह सकते हैं कि यह मेरी प्राइवेट चीज है, इसे ना कोई बांट सकता है, ना छीन सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, कभी छूटेगी नहीं चीज, वो है क्या आपके पास? आपके मन की कमाई, आपके मन की स्थिति, वो आपका है। घर में मन अधिक शांत है तो बाहर जाएंगे तो भी शांत रहेगा, घर में मन गंदा है तो बाहर रहोगे तो भी गंदा है, घर में मन निर्मल है तो बाहर रहोगे तो भी निर्मल है। मन हमारे साथ है, स्वभाव हमारे साथ है, अपने मन को अपने स्वभाव को हम कभी छोड़ करके नहीं आ सकते, कोई चारा ही नहीं है। कोई ये भी नहीं कह सकता है महाराज जी, गुरु जी, साहेब जी या भैया भैया दादा, आपको स्वभाव बढ़िया है, थोड़ा मुझे भी बढ़िया दे दो ना उसमें से बढ़िया स्वभाव। कोई मांग नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। और स्वभाव से आदमी की पहचान होती है, स्वभाव कैसा बनाया है ये देखने की आवश्यकता है। आपका स्वभाव ऐसा तो नहीं है, पूजा कर रहे हो अपनी जगह पर, भक्ति करते हो, सत्संग करते हो अपनी जगह पर, धन्यवाद है आप लोगों को, लेकिन जरा सोचे आपका स्वभाव, आपका व्यवहार कैसा है। जिस घर में आप रहते हो, जिस परिवार में आप रहते हो, जरा वाच करना, एक बार परीक्षा करके देखना, चुपचाप देखना कि मेरे घर वाले, घर जो भी हम दो चार छह आठ दस जैसे भी हों, मेरे घर वाले जब घर में मैं रहता हूं तब ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, या जब मैं घर से बाहर चला जाता हूं तब ज्यादा प्रसन्न रहते हैं? और यदि आपके घर वाले जब आप घर में जब तक हैं तब ज्यादा प्रसन्न हैं, तो समझना आपका स्वभाव बहुत बढ़िया है। और आपको यह लगता है कि जब मैं घर से जैसे बाहर चला निकल जाता हूं ना, तो घर वाले बड़े खुशी, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो समझ लेना आपका स्वभाव बहुत ही गलत है, जीवन बर्बाद है आपका। आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, कैसा स्वभाव है, कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, परीक्षा घर से करना। और यदि आपको ऐसा लगता है, देखो बाहर से पूछोगे, किसी पूछकर देखो क्यों मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं ना, तो कहेगा नहीं नहीं आप अच्छा नहीं लगते, ऐसा थोड़े कहेगा, तो समझो तब तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, पूछने का आवश्यकता नहीं है। केवल परीक्षा करो मन ही मन देख करके, यदि लगता है कि जब मैं घर में रहता हूं
तो मेरे स्वभाव से, मेरी बातचीत से, मेरे व्यवहार से मेरे घर वाले बड़े प्रसन्न और खुश रहते हैं, तो समझना पूजा और धर्म आपके जीवन में उतर चुका है। अब सही मायने में आप पुजारी हो, सही मायने में आप धार्मिक हो। धर्म का अर्थ ही है हमारे व्यवहार से, हमारे स्वभाव से हमारे आस पास रहने वाले लोग प्रसन्न रहें, सुखी जीवन जिए। और यदि यह लगता है कि जब मैं घर में रहता हूं तो घर वाले घुट घुट करके जीते हैं, डर डर करके जीते हैं, चेहरा थोड़ा सा मुरझाया रहता है, और जब मैं घर बाहर चला जाता हूं तो एकदम मन खुल करके प्रसन्न हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, तो समझ लो ना आपने धर्म को समझा, ना पूजा को समझा, ना सत्संग को समझा, बिल्कुल बेकार जीवन गया। ये आपका है, और कोई ऐसा बना नहीं सकता हमको, हमें बनाना होगा अपना जीवन ऐसा, यही आत्मस्वस्थता का फल होगा। बाहर की कमाई वो मजबूरी है, मजबूरी इसलिए है कि बाहर काम किए बिना हमें खाना नहीं मिलेगा तो जीना नहीं होगा। जीना है तो कमाना है, जीना है तो खाना है, खाना है तो कमाना है, वो तो मजबूरी है। और मजबूरी कभी उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य वह है जिसे पाने के पश्चात जीवन कृतार्थ हो जाए, मन निर्भय शांत संतुष्ट हो जाए। हर समय चीजें आएगी जाएगी, घटेगी बढ़ेगी, निंदा होगी प्रशंसा होगी, कोई ईर्ष्या करेगा, कोई द्वेष करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई अपमान करेगा, कभी घाटा होगा कभी मुनाफा होगा, कभी मौत होगी कभी जन्म होगा। सभी स्थितियों में मन का निर्द्वंद रहना, शांत प्रसन्न रहना, समता भाव में जीना, ये हमारे जीवन की कमाई है। चाहे साधु मार्ग में रह करके करो, चाहे गृहस्थी मार्ग में रह करके करो, दोनों का काम एक ही करना है, रास्ता एक ही है। एक प्रकार से कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, उलझा हुआ ना हो मन। थोड़ी जिंदगी उलझ उलझ करके क्या करोगे? आदमी उलझता है कैसे? मकड़ी खुद जाल बुनती है, और एक दिन उसी जाल में उलझ करके मकड़ी मर जाती है। ऐसे ही आदमी मकड़ जाल में उलझा हुआ है, अपने जाल बुन रहा है, राग का, द्वेष का, मोह का, माया का, अहंता का, ममता का, ईर्ष्या का, द्वेष का, बैर का, विरोध का, लोभ का, लालच का, पता नहीं कैसे कैसे जाल आदमी बुन रहा है, एक दिन उसी में जाल में उलझ उलझ करके आदमी मर जा रहा है। ये क्या जीवन है फिर? ये तो जिंदगी की हार है। जाल बुन लिए कोई बात नहीं है, अब उस जाल को काट करके बाहर निकलने की कला सीखनी होगी। जाल बुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ना समझ थी, अज्ञान था, ठोकर नहीं लगी थी, दुनिया का आकर्षण था, सुख का लोभ था, तो जाल बुन लिया गया। अब तो देख लिए ना कुछ जाल के पीछे में क्या है, तमाम ठोकरे खा चुके हैं, अनुभव हो चुका है, और देख भी रहे हैं कि मैं मुट्ठी में अधिकार में पकड़ना तो चाहता हूं, लेकिन लोग सारी चीजें फिसलती चली जा रही है, तो अब तो उसी जाल को वहीं रह करके थोड़ा थोड़ा काटना तो सीखना होगा, वहीं रहना है। जाल काटने मतलब क्या है? उलझा हुआ हो ना, उलझने समाप्त, सुलझा हुआ हो मन। और मन सुलझने का अर्थ क्या होता है? चीजें घट गई तो शांत, बढ़ गई तो शांत,
किसी ने गाली दे दिया तो शांत, किसी ने सम्मान कर दिया तो शांत। निर्द्वंद जीवन, द्वंद मुक्त जीवन, द्वंद्वातीत जीवन, द्वंद यही है। राग द्वेष घाटा मुनाफा हानि लाभ अपमान सम्मान अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मरण, यही तो द्वंद है। और इसी द्वंद में हमें जीवन जीना है। तो द्वंद बाहर रहने दें, द्वंद को भीतर ना आने दें। संसार में तो द्वंद रहेगा ही रहेगा। संसार द्वंद का नाम ही, संसार का अर्थ ही है द्वंद। संसार के द्वंद को हम मिटा नहीं सकते, मिटा सकते हैं अपने भीतर के द्वंद को। और भीतर के द्वंद को जो मिटाना सीख लिया, वही तो भगत है, वही पुजारी है, वही धार्मिक है, वही साधु है। सबके लिए नियम एक है। तो जीवन मिला है बड़े सौभाग्य से। और सब लोग अपने अपने बड़ी मेहनत कर, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पाया क्या? संसार तो छोड़ना है, संसार छोड़ना है। संसार छोड़ने के पहले संसार का लोभ छोड़ दें, संसार का मोह छोड़ दें, संसार का आकर्षण छोड़ दें, तो संसार छोड़ना दुखदायी नहीं होगा। और लोभ है, लालच है, आकर्षण है, मोह है, तो संसार छोड़ने से काम नहीं बनेगा। वो तो मजबूरी हो जाएगी रोते रोते। साहब ने बीजक में एकलौटवासी कही है, हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाओ। उलटवासी साहब उल्टी बात साहब कहते थे, कहते हैं एक तालाब था, तालाब के आसपास एक सरोवर, झील के आसपास, मतलब एक एक झील, झील के आसपास हंस रहते थे। तो हुआ क्या, हंस जब उड़ गया तब तालाब सूख गया। किंतु आश्चर्य क्या हुआ, उड़ जाने के बाद भी हंस के पैर तालाब के कीचड़ में फंस करके रह गए। उल्टी बात है ना, तालाब का पानी सूखता है तो आसपास में रहने वाले पक्षी उड़ जाते हैं। बगला भी तब तक रहेगा तालाब में जब तक वहाँ पानी है या कीचड़ है, तब तक तालाब सूख गया तो बगला भी उड़ जाएगा वहाँ से। यहाँ तक तो नहीं, पक्षी पहले उड़ा, पानी बाद में सूखा और पैर कीचड़ में धस करके रह गया। कभी देखा है आपने ऐसा? कहेंगे साहब कुछ उल्टी बात है, ऐसा कभी होता नहीं है। साहब बात बिल्कुल सही कहते हैं। हंस, ये जीव रूपी हंस उड़ गया तब ये शरीर सूख करके राग कांटा हो गया। जब तक शरीर में जीव है ना तब तक ये मुरझाएगा नहीं, हरा भरा बना रहेगा, सड़ेगा नहीं। और जैसे ही जीव निकला, वैसे 4-6 घंटे में क्या दशा होती है इसकी सब जानते हो। तो हंस, ये जीव उड़ गया, निकल गया शरीर से, ये शरीर सरोवर सूख गया, किंतु जीव की वासना पड़ी रह गई संसार में। अभी मुझे देखना सुनना आकर्षण है, ये कमी है। हंस को तो उड़ना ही, इससे उड़ने के पहले जो लोभ लालच आकर्षण है, मोह है, आसक्ति है, इनका त्याग कर दें तो फिर उड़ना सार्थक हो जाएगा। और जो हम धर्म के नाम पर करते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अब बहुत कुछ धर्म के नाम पर करते हैं, सबका अर्थ ही यह है, ललचाना बंद हो जाना, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष अहंता ममता खत्म हो जाना, मन निर्भय निश्चिंत प्रसन्न रह जाना, ये जीवन जीने की कला, जीवन का लाभ है। और यही हमारी असली कमाई है, इसी कमाई पर हमें ध्यान देना है। और यही कमाई जो अच्छे संस्कार, अभी कैसे होगा, जब जीवन को हम जिएंगे, हम सही ढंग से जिएंगे, सही रास्ता से जाएं,
सच्चाई के रास्ते पर चल कर जिएंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चल करके जिएंगे, तब ये कमाई जीवन में आएगी, तभी हम अपने भावी पीढ़ी को संस्कार दे पाएंगे। इसलिए जीवन को ऐसा जिए कि कह सके मैंने जीवन में ये पाया, ये मेरा है। वह है निर्मल मन, प्रसन्न मन, शांत मन, संतुष्ट मन, तब आनंद की धारा बहेगी, वही असली कमाई है। और जब मन निर्मल रहेगा, निर्मल कैसे होगा मन, जब व्यवहार निर्मल होगा, कर्म निर्मल होगा, हमारा व्यवहार निर्मल, हमारे कर्म निर्मल, तो हमारे आने वाले लोगों को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे, एक अच्छे संस्कार समाज का निर्माण होगा। अच्छे समाज का निर्माण करना, एक संस्कार, लोगों को अच्छी प्रेरणा देना, एक आदर्श छोड़ करके जाना, और मन का हर समय प्रसन्न शांत संतुष्ट रहना, यही जीवन की कमाई है। ये मनुष्य ही कर सकता है, हमें मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए ऐसा जीवन जिए, जब तक जिए प्रसन्न होकर के, शांत होकर जिए, जाते समय भी मन में प्रसन्न हंसते हुए यहाँ से विदा हों, और एक अच्छे संस्कार, अच्छे आदर की सीख दे करके यहाँ से जाएं, जीवन पाना और सब कुछ करना हमारा सार्थक हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम।